Of Army staff, उनका तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स के पास प्लेन क्रैश हो गया जिसके चलते 12 लोगों की, हो रावत and 12 लोगों की हो हमारे लिए इमो चीज क्या है एक तो, या, हमें के बारे पता होना चाहिए जनरल रावत है कौन so, जनरल रावत वॉज दी आ, फर्स्ट सीरियस ओके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड ट्वेंटी चीफ ये 2017 में बने थे ठीक है और बहुत सारे को लीड किया एयर जब आपका बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो लीड करी थी सर्जिकल स्ट्राइक स्ट्राइक हुआ था तो इंडियन आर्मी की तरफ से इन्होंने ही लीड लीड किया था मतलब कि यही एक तरीके से आर्मी चीफ थे तो कहा जाता है लीड किया फिर 2008 में जब आर्मी का कंटिजेंट गया था आपके कांगो में तो ये ब्रिगेडियर थे उस समय तो उस समय उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था कांगो में यूएन ने जब बुलाया था ओके <clears throat> okay. हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ द नेम ऑफ द हेलीकॉप्टर इज इंडियन एयर फोर्स आई सेवनटीन वी फाइव इतना याद रखना मूविंग फॉर दो वॉट हैपन तो कल हमने डिस्कस किया था कि फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट करना उन्होंने आप सॉरी फार्मर्स पे हमने न्यूज पढ़ी थी कि संयुक्त किसान मोर्चा की कि कल मीटिंग होगी और मीटिंग में वो लोग डिसाइड करेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है है ना उन्हें प्रोटेस्ट इगिटेशन कंटिन्यू रखना है कि उन्हें स्टॉप करना है बहुत सारी चीजें इस चीज को लेकर फार्मर्स ने यही बोला है कि हम लोग एगिटेशन जो है वो आज खत्म कर देंगे

पार्लियामेंट में भी प्रपोजल चला गया और बैकआउट हो गए बट अ डिस्कशन हुए मूविंग टू <coughs> 2014 की बात है जब इलेक्शन आने वाले थे तो बीजेपी ने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया था तो जब भी पोलिटिकल पार्टी जो होती है अपोजिशन वाली सारे पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो जारी करते हैं कि भाई अगर हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो हम ये काम करेंगे है ना जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल पंजाब में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उनकी पार्टी तो उन्होंने ये मैनिफेस्टो में लिखा होगा कि भाई रुपीस दिया जाएगा पर मंथ टू दी ना चाहे ओवरेज क्लास हो चाहे पुअर क्लास हो चाहे मिडिल क्लास हो उन्होंने फिर ये भी लिखा होगा कि भाई आ, किसी आर्मी पर्सनल की डेथ होती है तो वन करोड़ रुपीज उसके फैमिली मेंबर्स को एक्सग्राटिया कंपनसेशन दिया जाएगा तो ये सारी चीजें लिखते हैं ये इलेक्शन के पहले ही रखा है तो जब 2014 में इलेक्शन होने वाले थे जनरल इलेक्शन होने वाले थे तो बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था कि बुंदेलखंड रीजन में पानी की कमी बहुत ज्यादा है बुंदेलखंड अगर हम रीजन देखें तो उसको बोला जाता है सूखा रीजन backward, रीजन वन वन ऑफ ऑफ दी दी बैकवर्ड uh, बैकवर्ड इन उत्तर प्रदेश और वी कैन से इंडिया ऑल्सो ठीक है और वहां क्यों है क्योंकि वहां पर लॉट्स ऑफ फार्मर्स है और फार्मर्स के साथ साथ पानी नहीं है और वॉटर इज एसेंशियल फॉर दी फार्मिंग फॉर दी एग्रीकल्चर सो पानी होना जरूरी है तो उन्होंने बोला कि था वॉटर सॉरी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो जैसे बुंदेलखंड में एक तो पानी मिलेगा और बहुत सारे ऐसे इंडिया में रीजन है कमी होती है और ऐसे रीजन से जहां पर फ्लड आता है तो फ्लड भी नहीं आएगा क्योंकि अगर हम वॉटर लिंक कर देंगे जैसे मान के चलो कोसी का वाटर अगर हमने लिंक कर दिया किसी और रिवर से जहां पानी नहीं आता तो कोसी का पानी उधर जाएगा है ना उस रिवर में जाएगा जहां जहां पानी कमी थी वहां पानी हो जाएगा और कोसी में कोसी से फ्लड नहीं आएगा तो एक मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था बीजेपी के 2014 वाले इलेक्शंस में बट ड्यू टू सम रीजन काम नहीं हो पाया वाटर लिंकिंग क्योंकि वाटर लिंकिंग और रिवर लिंकिंग जो है सॉरी नॉट वाटर लिंकिंग रिवर लिंकिंग एक बहुत हेक्टिक काम है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता क्यों क्योंकि एक रिवर दो या तीन स्टेट से फ्लो होती है दो या दो से ज्यादा स्टेट से फ्लो होती है है ना तो अगर वो रिवर वाटर में इंटरफेयर करेंगे तो भैया किसी ना किसी स्टेट गवर्नमेंट बुरा मान जाएगी स्टेट के लोग बुरा मान जाएंगे तो कोई भी पोलिटिकल पार्टी बुरा नहीं अब किसी भी स्टेट के लिए और किसी भी स्टेट की जनताओं के लिए बुरा नहीं बनना चाहता कोई भी पार्टी हो है ना क्योंकि इलेक्शन तो हर पांच साल में हो रहे हैं ना तो सब जीतना चाहते हैं तो फाइनली आफ्टर अराउंड सेवन टू एट इयर्स कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि केन रिवर और बेतवा रिवर्स को ज्वाइन कर दिया जाए रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गई है अप्रूवल मिला स्टार्ट नहीं हुई अप्रूवल मिल गया है केन में पानी ज्यादा है वेदवा में कम है तो केन का वाटर वेदवा में आएगा और वेदवा के जो है, रीजन है स्पेशली बुंदेलखंड रीजन वहां पर जो वॉटर की कमी है रिवर वॉटर की कमी है उसको पूरा किया जाएगा मूविंग फॉर सिटी की न्यूज हमें नहीं पढ़नी है हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज में भी सॉरी आज स्टेट में भी स्टेट पेज में भी ऐसे कुछ न्यूज नहीं है

उसको लेकर है एंड द थर्ड न्यूज कि टोबैको में टैक्स जो है अभी जीएसटी की मीटिंग हुई थी उसमें अनटस्ट किया मतलब टैक्स बढ़ाया नहीं हमेशा बढ़ाते हैं लेकिन इस बार टैक्स नहीं बढ़ाया उसको लेकर लिखा गया उसके कॉन्टेक्स में लिखा गया चलो तो फर्स्ट विल डिस्कस दी हाई एलपीजी प्राइस आर स्कोरिंग द एयर पॉल्यूशन फाइट देखो तो ये सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझ लो और ऑथराइज स्टार्ट, स्टार्ट किया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बताया गया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में डिस्ट्रीब्यूशन रैपिड तरीके से बढ़ गया था जब 2019 के जनरल इलेक्शन जो थे वो अप्रोच कर रहे थे 2019 का जब जनरल इलेक्शन था तब अकॉर्डिंग टू दी आरटीआई रिपोर्ट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के थ्रू नए डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नए गैस के कनेक्शंस दिए जा रहे थे गैस सिलेंडर्स दिया जा रहा था लोगों को और इस स्कीम का जो तो टारगेट था वो ये था कि बाई द ईयर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी एट करोड़ एलपीजी कनेक्शन हाउस होल्ड होने चाहिए इंडिया में और देखा जाए जो डेडलाइन थी वो मार्च 2020 थी लेकिन गवर्नमेंट ने अगस्त 2019 में ही इस डेडलाइन को बुरा कर दिया फिर अगस्त 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सेकंड फेज स्टार्ट कर दिया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ठीक है और अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन है इट्स मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और ये स्कीम जो है वो अराउंड का फाइनेंशियल सपोर्ट देती है जो भी एलपीजी कनेक्शन लेता है टू दी बीपीएल हाउस होल्ड जो बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड है अगर वो एलपीजी कनेक्शन लेते हैं तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है सोलह सौ रुपए का ठीक है चलो अब अगर हाँ हम बात करें तो उज्ज्वला योजना टू पॉइंट है क्या तो पहला जो फेज था वो तो पता है भैया कि 2016 में लॉन्च हुआ था और एलपीजी कनेक्शन देना था टू दी पुअरा उज्जवल लेकिन जो सेकंड फेज था उसका ये था कि माइग्रेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिले है ना जो कि किसी और स्टेट में रहते हैं विदाउट सबमिटिंग दी एड्रेस प्रूफ जिनको अब भाई अगर हमें स्कीम की योजना की हमें बेनिफिट लेना है तो ऑब्वियस बात है हमें सबसे पहले तो अपनी एड्रेस प्रूफ देना होगा कि भाई हम इस एड्रेस में रहते हैं ये सारी चीजें लेकिन माइग्रेंट जो कि उस स्टेट का है ही नहीं वो अपना एड्रेस प्रूफ दे नहीं पाएगा तो वो लोग भी मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके उनको भी एलपीजी कनेक्शन इजिली मिल जाए ओके फिर आगे बताया गया कि टू में बोला गया था कि और ज्यादा देखो आठ करोड़ हाउस होल्ड तो कंफर्म कर दिया था और बोला यह गया था कि टेन मिलियन एलपीजी कनेक्शन और देना चाहिए है ना टेन मिलियन एलपीजी कनेक्शन देना चाहिए लेकिन क्वेश्चन उठता है ये स्कीम ये योजना लाने की जरूरत क्या थी क्या ऑब्जेक्टिव थे इसके हम बात करें तो विमेन को एम्पावर करना और उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना क्योंकि जब भी हम चूल्हे पे बनाते हैं तो धुआं बहुत निकलता है उसमें होता कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होता है मतलब अगर आप चूल्हे पे एक दिन खाना बना रहे हो तो मतलब वो चार से पांच सिगरेट के बराबर होता है ऐसा ऐसा खुद साइंटिफिकली प्रूव है नहीं है फिर बोला गया था कि जो अनक्लीन कुकिंग फ्यूल होता है उससे बहुत सारी डेथ होती है तो उन नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू अनक्लीन कुकिंग फ्यूल उनको रिड्यूस करना है फिर तीसरी जो चीज थी वो ये था कि यंग चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे हैं उनको रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्मोक बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन तो वो प्रिवेंट करना है उन यंग चिल्ड्रन को रेस्पिरेटरी इलनेस से ठीक है अब अचीवमेंट तो भाई पता ही अचीवमेंट्स क्या क्या थे लेकिन चैलेंजेस क्या कर रहे तो चैलेंजेस की हम बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस रहे पहला चैलेंज यही रहा कि लो कंजम्पशन ऑफ आप रिफिल्स आपने गैक्स कलेक्शन दे तो दिया लेकिन उन्होंने रिफिल नहीं कराया दे दिया एक बार रिफिल नहीं करा रहे है ना देन सिस्टम एनॉमिलीज निकली थी दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि भाई जो बेनिफिशरीज थे वो इंटेंडेड नहीं थे इस इशुएंस को लेकर मतलब बेनिफिट उठा नहीं पा रहे थे बिकॉज प्रॉब्लम विद सिस्टम ये बताया गया था यही चीज बताई गई कि देखा जाए तो हमें एलपीजी प्राइसेस जो है वो बहुत बढ़ गए हैं अब सिलेंडर्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं जब सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ गए हैं और, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि भाई गैस गे, गे, कनेक्शन नहीं हो पा रहा अब गैस रिफिल्स नहीं हो पा रहे क्यों उसका रीजन क्या था क्योंकि हाई प्राइजेस है आपको अगर गैस रिफिल करानी है तो तो अगर गैस रिफिल करानी है हाई प्राइजेस है और उसके ऊपर आप एलपीजी के प्राइजेस और बढ़ा रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि आप एयर पॉल्यूशन को इंक्रीज करवा रहे हो इसीलिए ऑथर ने एटोडे लिखा कि भैया जो कनेक्शन है वो कनेक्शन इंक्रीज करिए लोग बेसिकली uh, सॉरी uh, लोग बेसिकली और ज्यादा गैस कनेक्शन को यूज करें सिलेंडर्स को यूज करें जिससे एयर पोल्यूशन ना हो वेमेन्स की हेल्थ बनी रहे वेमेन्स को एम्पावरमेंट मिले ये सारी चीजें रिसेंटली जीएसटी की मीटिंग थी है ना और उस जीएसटी की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया जीएसटी की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि भैया टोबैको का जो टोबैको पे जो टैक्स लगता है उन टोबैको पे टैक्स इंक्रीज नहीं किया जाएगा उनको अनटचड किया मतलब उनको टच ही नहीं किया तो हमेशा से जब भी जीएसटी की मीटिंग होती थी तो जीएसटी की मीटिंग में हमेशा कुछ परसेंट टोबैको पे टैक्स बढ़ा दिया जाता था जो कि ठीक था अच्छा था क्योंकि उससे रेवेन्यू जनरेट भी होता था और पब्लिक की हेल्थ जो होती थी वो थोड़ी सी प्रिवेंट होती थी क्योंकि लोग कम फूकते थे पैसे का ज्यादा खर्च होते थे उसी को लेकर बेसिकली ऑथर ने बताया और एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फाइंडिंग भी है कि टोबैको में जो केमिकल होता है वो है निकोटीन और निकोटीन इज एडिक्टिव ड्रग जो कैंडी और टुबैकोस या सिगरेट्स बनाने में यूज की जाती है जिससे लोग एडिक्टिव हो जाए चीजों के और ज्यादा चीजें यूज करें जा, मतलब ज्यादा खाएं अब वही चीज ऑथर ने बताया ऑथर ने रिपोर्ट दी ऑथर ने बताया कि अगर हम देखें तो 2004 में वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट निकली थी और बताया था कि अराउंड 21,400 लोगों को लंग्स कैंसर होता है 35,800 लोगों को अस्थमा है और 3.7 लाख लोगों को हार्ट डिसीज है और वहीं हम चिल्ड्रन की बात करें जो कि 15 साल से कम के हैं उनमें अराउंड ग्यारह बच्चे अस्थमा है है ना और वन पॉइंट सिक्स लोगों को रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है चीज बताएगी और वही चीज ऑथर ने बेसिकली कंडेम किया है कि देखा जाए तो गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ा देना चाहिए था एक तो उनके रेवेन्यू जो ऑलरेडी इंपैक्टेड है बिकॉज ऑफ द कोविड नाइनटीन उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता उनको बेनिफिट ही होता उनको फायदा ही होता और दूसरा पब्लिक हेल्थ जो है वो और ज्यादा वर्सिन नहीं होती उसको हम कंट्रोल कर सकते थे ये चीज ऑथर ने बताया अब एक काम आपका इसमें यह है कि जीएसटी के बारे में पढ़ना कि जीएसटी आया कब

यूएस ने बोल दिया कि अभी जो ओलंपिक्स होने वाले हैं ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे विंटर ओलंपिक्स होने वाले बीजिंग में उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उसकी रीजन बहुत सारी थी एक तो यूएस एक तो और चाइना की हमेशा से वॉर चलती आ रही है कोल्ड वॉर टाइप हम बोल सकते हैं ना न्यू कोल्ड वॉर न्यू एरा कोल्ड वॉर उसको लेकर देन आगे अगर हम बात करें तो उसके साथ साथ यूएस गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भाई बिकॉज uh, हम लोग ओलंपिक पार्टिक, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इसलिए हम इसको डिप्लोमैटिकॉयकॉट बोलेंगे from the winter Olympics, और अभी हमें ये पता लगा, अभी अभी हमें पता लगा पढ़ेंगे भी उसको कि दो कंट्रीज और हैं जिन्होंने यूएस का साथ दिया एक तो यूके है वर्ल्ड न्यूज right में कवर कर लेंगे सो इसलिए व्हाइट हाउस की तरफ से जो प्रेजेंटेशन आई थी वाइट हाउस की तरफ से डिसीजन आया उसमें यह लिखा गया कि गेम को बिजनेस की तरह ट्रीट किया जा रहा है इसलिए हम करते हैं फ्रॉम विंटर ओलंपिक्स विंटर 2022 क्योंकि बहुत सारी रीजन है चाइना में ह्यूमन राइट एब्यूज किया जा रहा है दूसरा जिंगजांग रीजन में जो ग्रह मुस्लिम्स हैं उनको एट, उनके ऊपर एट्रोसिटीज की जा रही हैं जिसके चलते हम लोग नहीं कर रहे हैं हम लोग नहीं करेंगे और अभी यूएस के प्रेसिडेंट ने जो बाइडेन ने समिट ऑफ डेमोक्रेसी किया था उसमें चाइना और रशिया को इनवाइट भी नहीं किया अब वो सही बात भी इनवाइट क्यों करेंगे जब डेमोक्रेसी की एक तरीके से समिट थी तो चाइना और रशिया कंट्रीज आर नॉट डेमोक्रेटिक नेशन तो नहीं भी सबमिट किया ठीक है और यूएस हमेशा से रहा है कि भाई के योग्रो, योग्रो जोनोसाइड जो करते हैं होती है चाइना में वो चीज नहीं होनी चाहिए उसके रिटेलिएशन में यूएस ने क्या कर दिया

और देखा जाए तो इस बार जो ओलंपिक्स हुआ अराउंड थर्टीन बिलियन डॉलर लगते हैं एक ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज कराने में जो जब हुआ है ना और जो भी कंट्री होस्ट कराती है उसका ही पैसा लगता है उससे वो रेवेन्यू जनरेट भी करते हैं जो ऑडियंस आती है जो टूरिस्ट आते हैं बट इस बार देखा जाए तो इस बार टूरिस्ट मिले ही नहीं जापान को टूरिस्ट मिला ही नहीं अब जापान को टूरिस्ट नहीं मिला क्यों कोविड नाइनटीन था ठीक है ये सारी चीजें बताई गई और अभी रिसेंटली हुआ, हुआ भी क्या कि 2023 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो चाइना था बट उसको शिफ्ट कर दिया इवेंट कहा छीन से से लिया गया रिलोकेट कर दिया गया सो so यही सारी चीजें हैं यही बताया जा रहा है कि डिप्लोमेटिक गेम चल रहे गेम्स बाद में बाद में होंगे पहले की डिप्लोमैटिक गेम चलाए जा रहे हैं कि भाई यूएस ने बर्कआउट कर दिया फिर अभी फीफा वर्ल्ड कप को बाहर निकाल दिया तो गेम्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में मूविंग फॉर द नेशनल यूज अगेन सो पाकिस्तान के जर्र जो हैं और फॉरेन एनवॉइज जो है, है उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया है रिसेंटली जो कल आ, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत की जो डेथ हुई है उसके कॉन्टेक्स में सो वॉट हैपन तो वही बात बताई जा रही है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है मिलिट्री हाईआर में क्यों क्योंकि विपिन रावत सबसे बड़े आर्म फोर्सेस के एक तरीके से पर्सन थे आर्म फोर्सेस के तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया अब क्वेश्चन यही उठता है कि भैया अब कौन आएगा और ये पहले सी थे और अन इनकी डेथ हो गई है ना तो और बहुत सारे मेजर मिलिट्री रिफॉर्म जो थे वो अनफिनिश थे उनको काम करना था बट अनटाइमली डेथ की वजह से ये सारी चीजें रह गई तो क्वेश्चन हो रहा है कि जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है टॉप लेवल पर एट दी ऑफ द मिलिट्री दिलिट्री उसको कैसे फिलअप किया जाए उसको कौन करेगा और सीडीएस बहुत सारी चीजें करता है प्रिंसिपल एडवाइजर भी होता है डिफेंस मिनिस्ट्री का वो मूविंग फॉर सो गवर्नमेंट ने बोला है गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा था उन्होंने बोला था कि भाई ट्वेंटी सेकंड लॉ कमीशन जो है उनके मेंबर्स आपने अपॉइंट कर दिए मेंबर्स को आपने बता दिया कौन कौन मेंबर्स होंगे अपॉइंट कर दिया तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखा जाए तो अभी ट्वेंटी टू लॉ कमीशन की जो पैनल है उनमें जो लोगों को अपॉइंटमेंट करना है उसके लिए हम लोग अभी दैट्स एन अंडर कंसिडरेशन ये चीज बेसिकली गवर्नमेंट ने बोली सुप्रीम कोर्ट को मूविंग फॉर दो वॉट हैपन सो कल लोकसभा में एक बिल

और हाइली ट्रांसपेसिबल के साथ साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है नया वेरिएंट है उसको लेकर अभी हमें यह नहीं पता कि वैक्सीन कितना इफेक्टिव होगा इसी चीज को लेकर ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो पेशेंट्स हैं उनको एक डेजिग्नेटेड फैसिलिटीज में ट्रीट कराया जाएगा यह हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोल दिया है और सारे स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स को नोटिस जो किया है कि भैया डायरेक्शन शू किया है नोटिस शू किया है कि आप टेस्टिंग करिए टेस्टेंसाइए टेस्टिंग बढ़ाइए ट्रेसिंग बढ़ाइए और जो भी अगर पेशेंट निकलता है उसको आप अलग जगह पर ट्रीट करिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट निकल के आई और उसे बताया गया कि भैया 2017 से जितने भी कोविड जितने भी ह्यूमन राइट right के केसेस हैं जितने भी ह्यूमन राइट right के केसेस हैं 40 परसेंट ऑफ ह्यूमन राइट केसेस यूपी में लॉन्च किए गए यह चीज बताई गई अब यूपी बड़ा भी है तो बोल भी सकते हो मूविंग फॉर्दर सो फाइनली लोकसभा में राज सॉरी नॉट लोकसभा राज्यसभा में आ, आपका ए जिसको हम बोल सकते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 एंड सरोकेशी बिल पास हो चुका है दोनों ही पास हो चुके हैं लोकसभा में पहले ही पास हो गया था अब राज्यसभा से भी पास हो गया तो हाउस पा, पा, पार्लियामेंट से सॉरी मोदी हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास हो चुका है अब प्रेसिडेंट की, की जरूरत है, और यह बिल जो है वो आपका लॉ बन जाएगा मूविंग फर्दर ऑन वर्ल्ड न्यूज सो वट हैपन सो एंजला मार्किल जो कि आउट गोइंग जर्मनी के चांसलर है उन्होंने बोला है कि भैया जो नए चांसलर बने हैं ओलिफ स्कॉल्स जो देश के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए ही काम करें ये चीज उन्होंने बोली है और ओल्फ स्कॉल्स भी ने वो किया है कि विल विल वी विल वी विल, 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 विल ब्रिंग द न्यू बिगिनिंग फॉर जर्मनी मूविंग फर्दर या सो कनाडा सो कनाडा एंड द यूके दोनों ने ही यूएस की अप्रोच को फॉलो किया और बोला कि हम लोग बीजिंग ओलंपिक्स 2022 विंटर ओलंपिक्स